हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और भाई, टेंशन भरा माहौल चल रहा है क्योंकि 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 जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे सीए इंटरमीडिएट और आईपीसी के, उनका रिजल्ट होने वाला है। डिक्लेयर डिक्लेयर डिक्लेयर। और इस बार तो जो हो रहा है वो तो भाई मुद्दतों में कभी एक बार देखने को मिलता है। सर, ऐसा क्या है सर? तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो सीए सीएस और सीएम में, सभी का रिजल्ट जो है आने वाला है अगले तीन दिनों में 23, 24 और 25 तारीख को सब कुछ भाई सिमटने वाला है। सर, हमें बचा लो बेटा। देखिए, जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो यही लगता है कि जैसे एग्जाम दिया कि बस फटाफट से जो रिजल्ट आ जाए। और हमें भी मैसेज फटाफट से भेजना स्टार्ट करते हैं, सर मैंने इस क्वेश्चन में ये कर दिया, सर जरा देखकर बताना, सर इसमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे। तो एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक का जो समय है भाई, बड़ा मुश्किल है उसको काटना। और जैसे जैसे वो रिजल्ट की डेट नजदीक आती है, वैसे वैसे पेट में बटरफ्लाईज सी जो है उड़ने लगती हैं, टेंशन आने लगती है, रातों की नींद सी उड़ जाती है, ख्याल बुरे बुरे आने लगते हैं और कई बार तो सपने भी आने लगते हैं कि मैं शायद ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। हालांकि हम चाहेंगे भाई कि सभी बच्चे जो है अच्छा अच्छा रिजल्ट लेकर आएं। और इस बार का जो रिजल्ट है वो मेरे लिए थोड़ा और ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, हर बार का ही स्पेशल रहता है लेकिन इस बार एक कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल लग रहा है। रीजन बिंग की जो लास्ट अटेम्प्ट अभी गया था May/June 2019 में, उसमें हमने भी कुछ नई चीज़ें जो है फर्स्ट टाइम लॉन्च की थी, जैसे कि लाइव डाउट सेशन ऑन द यूट्यूब, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज एक चलाया था जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला था, और न्यू सेशन बिल्कुल ब्रांड न्यू जो है मैराथन के अपलोड किए थे हमने कॉस्टिंग और एफएम के। तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है मुझे भी ऐसा लग रहा है, अपनापन सा लग रहा है कि शायद इन बच्चों के साथ यार मेरा भी रिजल्ट आने वाला है। जैसा पहले का यही दुआ यही कामना है कि आप बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए। जिन बच्चों ने एक ग्रुप दिया है, फर्स्ट ग्रुप पास हो जाए भाई, और दूसरे ग्रुप को आप अपना नवंबर में दें। और जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए थे, यही चाहेंगे कि आप अपना बोथ ग्रुप जो है पास करें। और जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया वो वीडियो देखने आ गए हैं, तो आपसे भी यही जो है हम यही कहेंगे कि आपका जो आने वाला अटेम्प्ट है आप उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हों। साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि इस बार जो है हमें पता है कि एग्जाम से लेकर रिजल्ट से लेकर एग्जाम तक का जो समय है नवंबर के एग्जाम का, वो बहुत ही कम है। तो जो बच्चों ने एक ग्रुप दिया था जिनका वो ग्रुप पास हो जाएगा, और आपका जो अनदर ग्रुप है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू अपियर इन दैट ग्रुप। आपको अपनी तैयारी जो है बिल्कुल कंटिन्यूअस वे में रखनी होगी। अक्सर क्या होता है, रिजल्ट आता है खुशी खुशी में 4-5 दिन तो ऐसे उड़ा देते हैं, भाई पास हो गया भाई, रिश्तेदारों को फोन करके बताया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान तो वही करते थे ना जब हम सीए करते हैं, वो 2% रिजल्ट आता है कितने पास हो जाना है तू, तो उनको भी फोन करने का मन करता है, ओ चाची ओ मासी ओ ताऊ ओ मामू ओ मैं पास हो गया। तो बस 4-5 दिन तो इसी में लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, रिजल्ट आया खुश रहो, उस दिन खुश रहो, थोड़ा सा अगले दिन और खुश रहो, खुश रहना ही है लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ाई में लगे रहना है। और अगर आपको लगता है कि जो आपका ग्रुप पास हो गया उसके अलावा जो दूसरा ग्रुप आप देने जा रहे हैं नवंबर में, अगर उसमें से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी आपको कमजोर लगती है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, तो पीछे नहीं हटना है, उसके ऊपर ज्यादा एफर्ट डालना है। और अगर आपको लगता है कि खुद से एफर्ट नहीं हो रहा, देन यू कैन डेफिनेटली बाय द लेक्चर ऑफ एनी फैकल्टी जो भी आप पसंद करते हैं। लेकिन जहां तक हमारे सब्जेक्ट की बात है भाई, कॉस्ट है एफएम और अब तो अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट भी जुड़ गया है, तो आपको उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। क्योंकि शिखा मैम ने मुझसे आइडिया शेयर किया 2-3 दिन पहले कि अब हमने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट भी लॉन्च कर दिया है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे स्टूडेंट कम्युनिटी को काफ़ी फायदा हो। तो मैंने कहा ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो हमने टीम ने डिसाइड किया कॉम्बोज पहले भी बनते आए हैं कि एक सुपर स्पेशल जो है, एक सुपर स्पेशल डिस्काउंट करके एक चीज़ लेकर आते हैं जहां पर हम बहुत ही मिनिमम प्राइसेस रखेंगे स्पेसिफिकली कॉम्बोज के लिए। तो जिन बच्चों को भी लगता है कि उन्हें किसी प्रकार का कोर्स बाय करना है, लेक्चर्स बाय करने हैं, स्पेसिफिकली फास्ट ट्रैक कोर्सेज, कॉस्ट है एफएम अकाउंट्स एडवांस अकाउंट, तो सभी के जो कॉम्बोज हैं वो अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और अगर आपके किसी काम के नहीं है क्योंकि आप बन चुके हैं सी इंटर पास कर चुके हैं और आप तब भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स एक्सेट्रा को जरूर ये चीज़ बता सकते हैं। अकाउंट्स लॉन्च के 5-6 दिन हुए, उस दिन मैंने एक वीडियो डाला था, बहुत अच्छे कमेंट थे, मतलब शुक्रगुजार हूं यार। और एक मैं कहता हूं, एक ना ट्रस्ट रिलेशन होता है हर रिलेशन में एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत जरूरी है, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स का रिलेशन हो, और हमारा रिलेशन हो टीचर स्टूडेंट का, तो सब में ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और मैं सच में खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि अपने हार्डवर्क से, परसिस्टेंट हार्डवर्क से, डिसिप्लिन से जो है एक ट्रस्ट हमारे बीच में डेवलप हुआ। ये मैं क्यों कह रहा हूं, रीजन बिंग कि हमने अपने अकाउंट्स की जो डेट है वो 30 अगस्त या 1 सितंबर के आसपास रखी है ग्रुप वन की डिलीवरी की फ्रॉम दी आर एस से, एंड ग्रुप टू के लिए रखी है 6 या 7 सितंबर। तो मैंने स्टाफ को बोला आज सुबह की जरा एक बार रिपोर्ट दिखाई कि क्या जो है लेक्चर्स का क्या चल रहा है हमारा। आई वॉज शॉक्ड, मैं क्या बोलूँ कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा आपने अच्छे से चेक किया इसे? वो कहते हैं हाँ सर अच्छे से चेक किया। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स निकले हुए ऑलरेडी बुक्ड अकाउंट्स एडवांस अकाउंट, और
कुछ स्टूडेंट उनमें से ऐसे थे जिन्होंने हमारा चारों सब्जेक्ट का कॉम्बो परचेज कर लिया। मतलब ये ट्रस्ट नहीं तो और क्या है, बच्चों ने आज तक मुझे देखा कॉस्ट एफएम बढ़ाते हुए, लेकिन उन बच्चों का विश्वास इतना कायम है कि राहुल सर जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे यार उन्हीं से पढ़ना है, क्योंकि एवरीवन नोज कि हमारा पढ़ाने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है, इतने जबरदस्त प्रैक्टिस, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इवन इन द फास्ट ट्रैक बैचेस हम कर देते हैं। तो उन बच्चों को भी भाई बहुत बहुत मेरी तरफ से जो है मैं कहना चाहूंगा सब बच्चों को प्यार है, और आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं तो एक तरफ से एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है कि हाँ मुझे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि जो बेंचमार्क स्थापित किया कॉस्ट में एफएम इको में, तो लगता है कि बच्चे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार अकाउंट्स एडवांस अकाउंट में थोड़ा सा कसर रहेगी, थोड़ी सी कमी रहेगी, सर और अच्छा कर सकते थे ना, कॉस्ट एफएम इको में जो किया या तो उतना या उससे एक कदम आगे ही जाना है। और सच कहूं दिल की बात, तो आजकल रिकॉर्डिंग चल रही है, खुद को इतनी जबरदस्त सेटिस्फेक्शन है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आई नो कि जो जिस तरह से हम कॉन्सेप्ट्स की डिलीवरी कर रहे हैं अकाउंट्स में, जितना क्वेश्चन कवरेज कर रहे हैं, बच्चे को बहुत मजा आने वाला है। एंड मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो बच्चे लेंगे वही फीडबैक देंगे और रिजल्ट बोलेगा, बस इतना ही कहूंगा। एंड सभी बच्चों को एक बार फिर से जो है कहूंगा कि मेरी तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स है आप बच्चों के लिए। इट इज़ टाइम टू स्टे मोटिवेटेड, अपने आप को थोड़ा सा कूल रखिए, पैनिक बिल्कुल मत होइए, मूवमेंट्स टफ हैं अनडाउटेडली, और किसी भी प्रकार के र्यूमर से जरूर बचिएगा। मजे लेने के लिए कुछ लोग फैला देते हैं और रिजल्ट आ गया, फिर आप लोग इधर उधर देखना शुरू करते हो, सर को मैसेज आता, सर मेरा रोल नंबर ये है, सर जरा प्लीज रिजल्ट देखना। अगर लगता है रिजल्ट आ गया कोई बात नहीं भाई, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के अलावा कोई और सोर्स नहीं है जो सबसे रिलायबल है, तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना है और वहीं पर जाकर चेक करना है। साथ ही साथ मेरी तरफ से कुछ पंक्तियां आप बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो इन लाइंस की तरह बस हमें जो है रहना है पूरी तरह से मोटिवेटेड, एंड एक बार ये कहेंगे हाउस द जोश, हाई सर पता है असलियत सब जानते हैं बंधु, जोश बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बट यस सीए स्टूडेंट्स हैं यार, ऐसे कैसे हार मान ले अपने आप को, इतना हमने जो है मैं कहता हूँ एक तपस्या होती है एक तरफ से हमारी, जहां पर हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई में इतनी लगन से पढ़ते हैं, तो बस हमारे लिए तो बनता है कि यस वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम विद इन। और इसी के साथ आप बच्चों से अलविदा लूंगा, अच्छा अच्छा रिजल्ट है, और जो भी रिजल्ट होगा प्लीज भाई शेयर कीजिएगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आपके पास नंबर है डाउट का, मेरा जो डाउट वाला नंबर है उस पर प्लीज अपना रिजल्ट जरूर बताइएगा। और जो बच्चे डायरेक्टली हमसे नहीं पढ़े लेकिन YouTube फैमिली तो बहुत बढ़िया, हमारी बहुत सारे बच्चे हमारे मैराथन सेशन देखते हैं, लाइव डाउट सेशन टेस्ट का जो है यूज करते हैं, तो भाई आप भी कमेंट लिखकर जरूर बताइए कि आपका रिजल्ट रहा। थैंक यू गाइज, स्टे ब्लेस्ड।